नमस्कार, અત્યારસુધીના તમામ ખાસ સમાચારો સાથે હું છું ઝરણા. સમાચારો. હવામાન વિભાગ દ્વારા 3 દિવસ બાદ ફરી ઠંડીના ચમકારાના. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 3 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે, પરંતુ ત્યારબાદ જે છે ઠંડીમાં વધારો થશે. 2 ફેબ્રુઆરીએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. માવઠા બાદ ઠંડીમાં એકાએક વધારો થયો હતો, જો કે ત્યારબાદ આજથી ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો નોંધાયો હતો. जो कि आवनारा दिवसों में हजू पण ठंडी वधवानी शक्यता हवामान विभागे व्यक्त करी छे. 2 ફેબ્રુઆરીએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા सूचना अपाई छे. अगले 5 दिन में बारिश होने का ज्यादा चांसेस नहीं है. पूरे गुजरात में ड्राई रहने का संभावना है और टेम्परेचर वाइज अगले 3 दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा. 2 से लेके 4 डिग्री तक बढ़ने का संभावना है मिनिमम टेम्परेचर, और 3 दिन का बाद टेम्परेचर फॉल होने का संभावना है, वो 2 से 5 डिग्री तक फॉल भी हो जाएगा. अहमदाबाद में मोस्टली अगले 3 दिन में भी टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है, 2 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा, इवन 5 डिग्री भी बढ़ सकता है. उसका बाद थोड़ा सा क्लाउड वेदर रहेगा, हवा भी चलेगी 4th डे में, और उसके दौरान टेम्परेचर फॉल होने का संभावना है. डे 4 डे 5 यानी 3 दिन का बाद जो सब्सिक्वेंट 2 डेज आएगा उसमें टेम्परेचर घटने का संभावना. ધંધુકાના યુવાન કિશન ભરવાડની હત્યાના વિરોધમાં રાજ્યભરમાં ઉગ્ર દેખાવો સાથે રેલીઓ થઈ રહી છે. તેમાં પણ રાજકોટમાં માલધારી સમાજ અને હિન્દુ સંગઠનોની રેલી એકાએક હિંસક બની હતી. દેખાવકારો પર પોલીસે લાઠીચાર્જ કરતા નાસભાગ મચી હતી, અને તેમાં પણ અમદાવાદ, સુરત અને કરજણ સહિતના શહેરોમાં માલધારી સમાજે કલેક્ટર કચેરીઓ ખાતે કૂચ કરીને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી કિશન ભરવાડને ન્યાય આપવાની માંગ કરી છે. તો વડોદરા, પાટણ અને બનાસકાંઠામાં પણ રેલી યોજી આવેદનપત્ર આપ્યું. तो धंधुकारा युवान किशन भरवाड़ी हत्या ना विरोध में राज्यभर में उग्र देखाओ साथ रैलियों थी रही है. तेमा पण राजकोट में मालधारी समाज और हिंदू संगठनों की रैली एकाएक हिंसक बनी. देखावकारों पर पुलिस लाठीचार्ज करता नासभाग मची गई. आवा एक पुलिसकर्मी अचानक रिवॉल्वर काढ़ी और देखावकारों की पाछळ दौड़िया. किशन की हत्या ने आरोपियों तात्कालिक एन्काउंटर करने मालधारी समाज मांग कर रो. राजकोट में मालधारी समाज उपरांत हिंदू संगठनों की रैली में एकाएक नासभाग मची थी. पुलिसे अचानक लाठीचार्ज शुरू करता पण दौड़ादौड़ थी हती. आवामां टोळामां युवानोनी पाछळ राजकोटना एक पुलिसकर्मी रिवॉल्वर लईने दौड़्या हता अने लाठीओ मारी हती. आ पुलिसकर्मी राजकोट क्राइम ब्रांचना पीआई होवानुं मनाय छे, परंतु हजी सुधी तेनी कोई पुष्टि नथी थई. अलबत्त पुलिसे आ रीते रिवॉल्वर साथे दौड़ता जोईने स्थिति भारेला अग्नि जेवी थई गई हती. तो राजकोट में भरवाड़ हत्या केस ना मामले टोड़ा ने विखेरवा पुलिसे लाठीचार्ज कर्यो. युवानों ना वाहनों में नुकसान पहुंचो छे, केटलाक युवानों घायल पण थया छे. रेस्कोर्स रिंग रोड पर क्राइम ब्रांचना पीआई वीरल गढ़वी सर्विस रिवॉल्वर साथे युवानों ने खदेड़ता जोवा मळ्या. क्राइम ब्रांचना पीआई वीरल गढ़वी युवानों ने भगाड़वा माटे लाठी मारता नजरे पड़ा. तो राजकोट लाठीचार्ज पर पुलिस से आपे निवेदन. पीसीआर वाहन ने नुकसान पहुंचाड्यू छे, पुलिस वाहन पर पण पत्थरमारो करवामां आव्यो होवानुं डीसीपीनुं जणाव्युं छे. पुलिसे आ मामले हळवो लाठीचार्ज कर्यो हतो. टोळाए 3 दुकानोमां तोड़फोड़ करी छे. पुलिसे हजु एक पण व्यक्ति अटकायत नथी करी. सरकारी मिलकतने पण नुकसान पहोंच्युं होवानुं डीसीपीनुं कहेवुं छे. કલેક્ટર ઓફિસથી આવેદન આપીને એ લોકોને વિખેરાવાનું જ હતું. આ એમની મિટિંગમાં પણ ચર્ચા થઈ ગઈ હતી, પણ એમના આગેવાનો વિખેરી નહીં શક્યા. અમુક આગેવાનો તો ઇવન ટોળા સાથે ચાલતા પણ આવ્યા, એટલે એ રેલીની એમની કોઈ મંજૂરી પણ નથી, અને એને કારણે થઈ અને આ બનાવ બન્યો છે. અને ભવિષ્યમાં આગેવાનોએ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આવી રીતે જો ટોળું જાહેર જગ્યા ઉપર તોડફોડ કરે તો એ ચલાવી ન લેવાય. પોલીસની પીસીઆરને નુકસાન થયું છે અને 3 દુકાનોમાં નાનું મોટું નુકસાન થયું છે, એટલે એની સામે જે પણ હશે લીગલ કાર્યવાહી આગળ કરીશું.
तो धंधुका खाते कांग्रेस नेताओं पर मुलाकात ली थी। किशन भरवाड़ ना परिवार ने कांग्रेस नेताओं मुलाकात ली, सांत्वना पाठवी। तो किशन भरवाड़ा निवास स्थाने नेताओं उमटी रहा है, त्यारे कांग्रेस नेताओं पण अहीं पहोंच्या हता अने तेओए किशन भरवाड़ना परिवार साथे मुलाकात करी हती, परिवार ने सांत्वना पाठवानी कोशिश करी हती।